नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर आपको 10 लाख के अंदर कोई सीएनजी गाड़ी चाहिए जिसमें फीचर्स हो, कंफर्ट हो, तो ये हुंडई की ओरा सीएनजी जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो। अब 10 लाख के अंडर बता रहा हूँ, तो जो वेरिएंट है ना, ये एसएक्स वेरिएंट है। इससे नीचे एक एस वेरिएंट भी आता है। एस वेरिएंट और एसएक्स वेरिएंट में आपके पास लगभग 74,000 रुपये का जो है वो डिफरेंस है, 74,000 का। जो एस है उसका प्राइस आता है लगभग आप ये मान के चलो 8,31,000 रुपये। एक्सशोरूम प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका जो है वो एक्सशोरूम प्राइस आता है 9,05,000 रुपये, ठीक है। तो मोटा मोटा 74,000 के आसपास का डिफरेंस जो है वो हो गया। ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर ले तो ये भिवाड़ी राजस्थान में जो है वो आपको पड़ जाएगी 10,30,000 रुपए के आसपास। और हाँ, इस 10,30,000 रुपए के ऊपर आपको 50,000 से ज़्यादा का जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं अभी जिस डीलरशिप पे हूँ उसकी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, साथ ही योगेश भाई के नंबर जो है वो भी आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी चाहिए, देखो आप काफ़ी सारा स्टॉक है इनके पास, तो आप यहाँ से जो है वो कंसिडर कर सकते हो। अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया 75,000 रुपये का डिफरेंस है, तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी लगेंगे। क्योंकि जब आप 10 लाख रुपये के आसपास जो वो पैसा खर्चते हो तो ये फीचर्स होने भी चाहिए। चलिए सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। एस और एस एक्स में फ्रंट में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि लाइटें जो है वो आपकी सेम आती है। यहाँ पे हेलोजन बेस्ड लाइटें ही आती है, नीचे अपने पास जो है हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर आता है, और ये जो है वो डीआरएस हो जाएंगे हुंडई। बाकी अपनी फोग लैंप वगैरह तो अब सभी गाड़ियों से निकालती जा रही है। फिर जब आप यहाँ पे साइड पे आओगे तो आपको दिखेगा मेन डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, अलॉय व्हील्स जो है वो आ जाते हैं, साथ ही टायर का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो गया। 175/60 R15 के अलॉय व्हील जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, डायमंड कट अलॉय व्हील है। सामने डिस्क ब्रेक जो है वो आते हैं। डिस्क ब्रेक से मेरे को याद आया, दो सेफ्टी फीचर्स जो है और डिफरेंस आते हैं एस और एस एक्स में। एस एक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल असिस्ट कंट्रोल, ये दो फीचर जो है वो मिल जाएंगे, जो कि एस वेरिएंट में नहीं मिलते। उसके अलावा अपने पास 6 एयरबैग, सारी सीट बेल्ट्स 3 पॉइंटर होगी, सीट बेल्ट्स की वार्निंग होगी, ये सब फीचर जो है वो आती है। TPMS वगैरह के फीचर भी आपको मिलते हैं। देन एक जो बड़ा फीचर डिफरेंस है वो ये है कि एस वेरिएंट में फेंडर पे इंडिकेटर आता है, लेकिन यहाँ पे आपके ORVM पे इंडिकेटर आ गया। दूसरा, ORVM में फोल्ड का फीचर जो है वो भी आ जाता है। चाबी से फोल्ड नहीं होगा, अंदर बटन मिलता है उससे आप फोल्ड कर सकते हो। एस वेरिएंट में फोल्ड नहीं होता, बाकी एस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल जो है वो हो जाता है। क्रोम डोर हैंडल्स जो है वो आ जाते हैं आपके एस एक्स वेरिएंट में। देन पीछे की तरफ आओगे तो स्पॉइलर का, लाइटों का, इनका कोई डिफरेंस जो है वो नहीं मिलेगा, ये सब आपको एस वेरिएंट में मिल जाएगा। ठीक ठाक लगती है ओरा, मतलब ऐसे अगर आप देखो ना डिज़ाइन वाइज तो इस सेगमेंट में ठीक लगती है ओरा। और मेरे हिसाब से जब आप सीएनजी ले रहे हो तो यही जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि डिजायर वही है भाई, थोड़ा सा टैक्सी वाली फील टाइप आ जाती है। होंडा अमेज में सीएनजी का ऑप्शन नहीं है, टिगोर में है, लेकिन फिर वही वो 3 सिलेंडर वाली बात आ जाती है सीएनजी के साथ, वो इंजन जो है वो थोड़ा सा कैपेबल कम है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको ओरा लेनी चाहिए। एक बार मैं चाबी लेके आता हूँ, फिर आपको बूट अनलॉक करके दिखाऊंगा और बाकी सारी चीज़ें जो है वो दिखाता हूँ। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो स्विच नहीं मिलता बूट में, लेकिन अंदर से आप ओपन कर सकते हो, साथ ही चाबी से भी जो है वो आप ओपन कर सकते हो। ये वाली चाबी मिलेगी, चाबी में भी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एसएक्स वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स जो है वो आ जाते हैं, तो चाबी आपको पॉकेट से निकालने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अब हुंडई भी जो है वो ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी लेके आ गया है अपनी गाड़ियों में। फ़िलहाल एक्स्ट्रा को लॉन्च किया है, लेकिन क्या पता कुछ टाइम बाद वो अपनी बाकी गाड़ियों में भी जो है वो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे दे। और सेडान में इतनी कोई नीड नहीं होती भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की, ये सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी देखो आपके पास ठीक ठाक बूट स्पेस जो है वो बच जाता है। नीचे अपना स्पेयर व्हील भी आ जाता है जिसको आप इजीली निकाल सकते हो। 65 लीटर का है ये सीएनजी टैंक, मतलब वाटर कैपेसिटी इसकी 65 है, तो वही 12 किलो का है सिलेंडर। आप ये मान लो 6.5-7 किलो के आसपास जो है वो गैस इसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास जो पेट्रोल टैंक है वो 37 लीटर का है, तो कभी सीएनजी ना भी मिले तो आराम से पेट्रोल पे भी आप चला सकते हो। ऊपर शार्क फिन एंटीना और डिफोगर के फीचर्स जो है वो आ ही जाते हैं। अब चलो अंदर, अभी एक सेडान है तो आपको पता ही है कि इसमें कंफर्ट की, स्पेस की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छी खासी सीटें हैं, अच्छी खासी चौड़ी सीटें हैं, आराम से जो है आप कंफर्टेबली इस पे बैठ पाओगे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बैठ के पूरा कंप्लीट स्पेस क्या कुछ है।
फिर आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ये देखो सीट काफ़ी पीछे है, लगभग पूरी पीछे है, उसके बाद भी देखो अपने पास काफ़ी स्पेस है, ठीक है। नी रूम, लेग रूम किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट अच्छी है, रिक्लाइन एंगल अच्छा है, ऊपर हेड रूम भी जो है वो डिसेंट है, तो कोई इशू मुझे तो लग नहीं रहा। पीछे यहाँ पे देखोगे तो रियर एसी वेंट्स भी आ गए, देन अपने पास एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी आ गया, तो चार्जिंग वगैरह की सुविधा भी है पीछे। पीछे ऊपर देखोगे तो कैबिन लैंप जो है वो भी आ जाता है। दो हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, एक हेडरेस्ट आपके पास नहीं है, बाकी ये आर्मरेस्ट है, इसके अंदर कप होल्डर्स जो है वो भी मिल जाएंगे आपको दो, और सीट बेल्ट 3 पॉइंटर है ही। बाकी तो एक छोटा चेंज यहाँ पे भी है, इसके देखो डोर हैंडल सिल्वर कलर के हैं, अगर आप एस वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे वो ब्लैक कलर के आ जाते हैं। पावर विंडो, स्पीकर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे 4, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक तो भाई गर्मी काफ़ी हो रही है, पता नहीं बारिश कब आएगी, बारिश आ जाए तो गर्मी कम हो थोड़ी सी। ये देखो यहाँ पे वो जो बटन बता रहा था मैं आपको, ठीक है, इससे आप बंद कर सकते हो, लॉक अनलॉक पे बंद नहीं होगा ये। और जो ड्राइवर साइड वाली ये विंडो है ये ऑटो डाउन फीचर के साथ आपकी आ जाएगी, ठीक है। बाकी इंटीरियर देखो तो ड्यूल टोन का इंटीरियर है, हल्का सा आपके पास कॉपर का यूज जो है वो भी मिलेगा डैशबोर्ड पे। सो ओवरऑल गाड़ी की लुक एंड फील अच्छी जो है वो लगती है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और हाँ, अगर आप CNG नहीं लेते हो ना तो SX वेरियंट में आपके पास पेट्रोल का ऑप्शन तो है ही, उसके साथ साथ आपके पास AMT का ऑप्शन जो है वो भी आ जाएगा। AMT अगर आप लेते हो तो एक दो फीचर्स जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। AMT वही आता है अपना 5 स्पीड का ही मैनुअल जो है वो आता है। हाइट एडजस्टमेंट जो है उसके ऑप्शन आते हैं सीट में, यहाँ पे कुछ बटन है, ट्रैक्शन का एक बटन है, देन अपने पास यहाँ पे CNG और फ्यूल में ट्रांसफ़र करने का बटन है, ऊपर ही अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया। ओके जी, अब चलो एक बार अंदर का इंटीरियर देख लेते हैं। स्टेयरिंग नॉर्मल मिलता है, कोई भी लेदर की रैपिंग नहीं है, मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं MID के कंट्रोल। अब पेट्रोल लोगे तो क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन जो है वो भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। देन ये अपना जो है वो सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वाइपर्स है, राइट साइड में हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर जो है वो भी नहीं आता। और कुछ ऐसा है इसका मीटर देखोगे तो आप बीच में जो है वो छोटी सी डिस्प्ले, बाकी CNG का गेज इस तरफ दे रखा है और पेट्रोल का गेज उस तरफ दे रखा है। और इसमें कुछ एक चीज़ें जो है और दिखा देगा, TPMS का फीचर बता रहा था ना, तो यहाँ पे दिखा देगा TPMS का फीचर। और ये हॉर्न बज गया तो हॉर्न भी काफ़ी अच्छा लाउड जो है वो आपको मिलेगा। बाकी फ्यूल इकोनॉमी वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो पेट्रोल में दिखा देगा आपको, बाकी CNG में तो आपको बताइए कि फ्यूल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद जो S वेरिएंट और SX वेरिएंट में बड़ा चेंज है वो है ये टच स्क्रीन देख रहे हो आप, ये नहीं मिलेगी S वेरिएंट में। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चल जाएगा, लेकिन वायरलेस नहीं चलेगा, वायर्ड ही जो है वो चलेगा। और ये पूरा पैनल देख लो ग्लोसी ब्लैक कलर का है, तो ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो काफ़ी बढ़िया आती है। नीचे AC देख रहे हो, मैनुअल AC मिलता है SX वेरिएंट में CNG के साथ। अगर आप AMT लोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC जो है उसके फीचर भी आ जाते हैं। देन ये सी टाइप का सॉकेट है, 12 वोल्ट का है, और अपना USB का सॉकेट है। चार्जर भी मिल जाएगा AMT लोगे तो, वायरलेस चार्जर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये ब्लैंक है। हल्का सा गियर नोब में चेंजेस हो गए, वो ब्लैक कलर का मिलता है इस वेरिएंट में, यहाँ पे क्रोम की फिनिश है। नीचे भी यहाँ पे देखोगे तो आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी क्रोम की, तो ये थोड़ा और ज़्यादा बेटर लग जाता है। बाकी लेदर की रैपिंग है, 2 कप होल्डर्स है, चाबी मैंने आपको दिखाई दी। यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है, मेरे हिसाब से आर्मरेस्ट होता तो और ज़्यादा बेटर जो है वो लगती, डाल देना चाहिए था फीचर, थोड़ा सा ऐसे खाली खाली टाइप जो है वो फील आ रहा है। ये अच्छा स्पेस है, फ़ोन रख सकते हो, और ग्लोव बॉक्स कुछ इतना है, उसके अंदर कूलिंग का फीचर जो है वो भी दिया गया है, ठीक है जी। देन इसके बाद वैनिटी मिरर आ जाता है, इस तरफ टिकट होल्डर आ जाता है, और आगे वाला कैबिन लैंप और माइक की प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे अपना IRVM आ जाता है मैनुअल। तो ये है कुछ इतने फीचर्स आते हैं, एक बार मैं गाड़ी जो है वो आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो 4 सिलेंडर इंजन और हुंडई की गाड़ी होना, तो भाई इंजन की नॉइस बिल्कुल नहीं आती गाड़ी के अंदर। ये देखो जैसे स्टार्ट हुई 1000 RPM से नीचे चली गई, CNG में नहीं लगी अभी, एक सेकेंड CNG में भाई ट्रांसफ़र हुई, कसम से बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल भी 1% भी नहीं पता चला मेरे को कि CNG में कब ट्रांसफ़र हो गई। और देखो कहीं पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, ना गियर नोब पे, ना यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं। मैं चुप होता हूँ, एक बार फिर सुनना आप। ओके सो भाई ये फ़ायदा है हुंडई की गाड़ियों का। AC काफ़ी बढ़िया आता है इनका, AC में भी कोई आपको ऐसी शिकायत नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा AC ऑन कर लेते हैं। चलो अब आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का इंजन ओपन करके।
फिर आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको फोर सिलेंडर गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए। स्पेशली सीएनजी में अगर ले रहे हो भाई तो फोर सिलेंडर लो तो बढ़िया है। मारुति चल जाती है भाई, मारुति थ्री सिलेंडर भी चल जाती है, बाकी फोर कंपनी की मत लेना। ये देखो बिल्कुल साइलेंट इंजन है, हल्का हल्का जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। K1.2 कापा सीरीज 1.2 लीटर का इंजन है, ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं है, नीचे भी अपने पास कोई भी इंजन गार्ड जो है वो नहीं है। ये आपको 69 bhp जो है वो पावर प्रोड्यूस करता है अपनी सीएनजी में, और पेट्रोल में अगर देखें तो 83 bhp के समथिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है। इंजन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पावर रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छी पावर प्रोड्यूस करके दे देगा। और टॉर्क भी 95 है न्यूटन मीटर के आसपास का है, मैं एग्जैक्ट फिगर जो है वो स्क्रीन पे डाल दूंगा। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है गाड़ी की, आपको कभी शिकायत जो है वो महसूस नहीं होगी। बाकी कंपनी जो है वो वारंटी देती है, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी आपको गाड़ी के ऊपर, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो उतनी वारंटी नहीं देती है, हालांकि अब मारुति ने भी जो है वो कर दी वारंटी काफ़ी ज़्यादा, तो ठीक है वारंटी आपको मिल जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी के प्लान्स जो है वो भी आपके पास रहेंगे। अब जो बात थी हमारी मेन कि एस और एस एक्स में जो 75,000 रुपये का डिफरेंस है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, तो देखो आपको पता ही है जितने फीचर्स मैंने आपको बताए उतने प्राइस में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेंगे। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आ गया, अलॉय आ गए, कीलेस एंट्री आ गई, ओआरएस पे इंडिकेटर आ गए, फोल्ड के फीचर्स आ गए, तो काफ़ी सारे जो है वो फीचर्स हो गए और इतनी वैल्यू प्रोवाइड आपको कर देंगे। तो आप एस एक्स वेरियंट पर जाओ तो थोड़ा आपके लिए जो है वो बेटर होगा, बाकी एस वेरियंट भी ले सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बस आपको एक बजट में सीएनजी गाड़ी चाहिए तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे उसमें भी नहीं है। और माइलेज की मैं आपको बताऊं तो 28 किलोमीटर जो है वो क्लेम करती है कंपनी 1 kg पे, तो आपको माइलेज भी ये गाड़ी अच्छी दे देगी। हाँ डिज़ायर से बेटर नहीं देगी, बट हाँ डेफिनेटली आपको टाटा टिगोर से अच्छी माइलेज यहाँ पे ये दे देगी। और हाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि टिगोर में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 170-172 mm के समथिंग जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बाकी डिज़ायर में 165 mm के आसपास ही मिलता है। सो ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस ऐसे मेजर आपको पता नहीं चलेगा। तो जी ये थी हुंडई ओरा एसएक्स सीएनजी, आप हमें बताओ आपको गाड़ी कैसी लगी, वैल्यू फॉर मनी लगती है नहीं लगती है, क्या कुछ आपके रिव्यूज है, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, और हुंडई की किसी और गाड़ी की वीडियो भी आपको देखनी है तो बताओ, हम आपके लिए वो पर्टिकुलर वेरिएंट की वीडियो भी लेके आएंगे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।